हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड टुडेज वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीसेट एंड हु हैव सम क्यूरीज कि मैम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। यस, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कुछ टॉपिक्स के अंदर डाउट्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। अब कुछ डाउट्स है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट लॉस हर बार एग्जाम में आ रहा है, हर बार एग्जाम में आ रहा है। इन दैट केस क्या करें, क्या हम कंप्लीट कोर्स के लिए जाएं, हाँ जी सी सेट का कंप्लीट कोर्स के लिए हम जाएं, या फिर हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस के अंदर भी बात आ जाती है कि हाँ जी मैं कहती हूँ कि अब मुझे कुछ पार्ट तो आता है, मेरे कुछ कंसेप्ट तो क्लियर है, जस्ट मुझे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर मिल जाए, इन दैट केस काफी अच्छे से मेरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को लगता है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहने देना क्योंकि मेरे 7 से 8 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम में से ही आने। दैट मीन्स वट कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं, ठीक है। तो आप लोगों की इसी क्यूरी को माइंड में रखते हुए अभिपीडिया आप लोगों के लिए एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम लेके आया, इन दैट केस कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी कि यहाँ पे देखिए सिविल सर्विसेज के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले क्या है, सी सेट, ठीक है। अब जब सी सेट के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे, हाँ जी जब आप सी सेट ओपन करते हो तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, फुल सब्सक्रिप्शन, फुल वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको फुल सब्सक्रिप्शन चाहिए, दे कैन गो फॉर द फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कहते हैं कि मैंने तो पूरा सी सेट का कोर्स लेना है या सी सेट के अंदर ही मुझे मेंटल एबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना है, लॉजिकल रीजनिंग, या मुझे इंग्लिश प्रिपेयर करना है, या मुझे प्रीवियस ईयर का चाहिए, तो आप वो ले सकते हो। बट अभी जो आज की वीडियो है स्पेशली किस लिए है, माइक्रो कोर्सेज के लिए, तो हम वहां पर पहुंच रहे हैं। एक मिनट देखिए, उसके बाद है टेस्ट सीरीज। अगर किसी को टेस्ट सीरीज सिर्फ लेने की, हाँ जी जस्ट मैंने प्रैक्टिस करने की मेरी तैयारी कितनी है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल की, स्पेसिफिक मॉड्यूल की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ही है हमारे पास में सबसे पहले क्या है, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, देन लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल, एंड देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी के अंदर हम जाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आपके पास में जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, मुझे सारे टॉपिक्स देखने जो मेरे सिलेबस में, देन आई विल गो फॉर सी ऑल। सी ऑल जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स देखिए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि हमने ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, हाँ जी मैं बात कर रही हूँ कि जब हम सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें पता है क्वालिफाइंग है, उस केस में हम उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर से जब हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का आप देखेंगे कि हाँ जी किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम पे हम आ गए, ठीक है। अब नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन इस बार तो 2020 के अंदर 12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में से थे, ठीक है। तो अब आप सिर्फ नंबर सिस्टम के लिए जा सकते हो, नंबर सिस्टम आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम पे आपको 10 लेक्चर्स मिल रहे हैं, 10 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, 7 स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, और कुछ यूजफुल डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, पीडीएफ्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखिए कि आपका कितना प्रिपेयर है। अब मैं कहती हूँ कि हाँ जी कुछ स्टूडेंट ऐसे जो कहते हैं कि हाँ जी नंबर सिस्टम मुझे तो पूरा ही अच्छे से करना है, मुझे कम नॉलेज है इसकी, देन आप पूरा कंप्लीट ले लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कुछ स्टूडेंट है वो कहते हैं कि हाँ जी मुझे नंबर सिस्टम आता, मुझे तो सिर्फ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 496 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि हाँ जी जब मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन ही चाहिए तो उस केस के अंदर यहाँ पे मैं लेक्चर और स्टडी नोट क्यों लूं, ठीक है, इसके लिए मैं क्यों पे करूं। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इसको अनटिक करते हो उस केस के अंदर आपकी इसकी कॉस्ट स्किप हो जाएगी, रह क्या जाएगा आपके पास में सिर्फ 151 रह गया, दिस इज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
डन। अगर आपको लगता है कि हाँ जी ऐसा है कि मुझे तो कंप्लीट लेना है, ऐसा करते वीडियो लेक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज रहने देते हैं। अभी देखो कॉस्ट क्या है आपके पास में, दिस कॉस्ट इज फॉर ओनली 10 lectures. अब 10 lectures आपको 229 में मिल गए, दैट मींस कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हाँ जी पहले प्रीव्यू देखेंगे, ऐसे 229 कैसे पे करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 minutes का प्रीव्यू भी मिलता है जब आप प्रीव्यू पे जाते हो। इन दैट केस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ जी आपको पूरे 10 lectures मिल रहे हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, 8 lectures ये है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो है लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, वो भी आपको अवेलेबल है। अब हर एक लेक्चर के साथ में मिल क्या रहा है आपको, हर एक लेक्चर के साथ में एक PDF है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखिए 37 क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आपका एक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, आप इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट है जैसे आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। डन? हाँ जी, स्टार्ट टेस्ट करेंगे एंड यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट। तो यहाँ से इस तरह से आप इसका प्रीव्यू ले सकते हो। अब देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जी 10 classes हैं, 10 के 10 classes के अंदर से मुझे क्या मिल रहा है, टेस्ट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है जी, टेस्ट्स भी मिल रहे हैं, तो यहीं से मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मुझे जरूरत नहीं है MCQ क्वेश्चन, जो मेरे MCQs मुझे मिल रहे हैं 496, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ जी इसके बाद भी मुझे प्रैक्टिस के लिए और जरूरत है, तो आप उसको बाद में भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर MCQ हम लेते हैं तो वो हमें कैसे मिलेंगे। हाँ जी, जब हम MCQs पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे जो MCQs है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। देखो 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट के फॉर्म में आपको MCQs मिल रहे हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो 50 का टेस्ट नहीं चाहिए, इस टाइम पे मैं सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। इन दैट केस हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही हम 25 मेंशन करेंगे तो आपके पास में ये 25 आ जाएगा, ओके? तो यहाँ से आपके पास में टेस्ट जनरेट हो गया 25 क्वेश्चंस का। आप टेस्ट को स्टार्ट करोगे और उसके बाद में आपका 25 क्वेश्चंस का टेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। Yes, clear? तो इस तरह से हमारे पास में क्या है, आप प्रीव्यू देख सकते हैं, अभी जस्ट ये प्रीव्यू है, ठीक है। हाँ जी, टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रॉपर तरीके से टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद में आप सबमिट करोगे, आपको विद सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। डन? क्लियर? तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि कैसे आपको पर्टिकुलर कोई भी मॉड्यूल मिल रहा है कि हाँ जी उसके अंदर आपको MCQs मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स मिल रहे हैं और वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाँ जी जरूरी नहीं है कि हाँ जी मैंने यही लेना है। मैं कहती हूँ कि मुझे तो LCM HCF के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, देन आप यहाँ पे चेक डिटेल में जाएंगे, LCM HCF से रिलेटेड आपके पास में देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे आपको 4 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, 2 स्टडी नोट्स मिल रहे हैं एंड 205 MCQs मिल रहे हैं एंड द टोटल कॉस्ट इज 186, ओके? इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए कॉस्ट के ऊपर आपका यहाँ पे कितनी रह गई है, 123 कॉस्ट रह गई है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, हाँ जी अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्टडी नोट दोनों को रिमूव किया तो हमारे पास सिर्फ लेक्चर्स की कॉस्ट रह गई है 77 रुपीज। तो आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा ये नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको काफी अच्छा मटेरियल मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो सी सेट के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले करना क्या है, आपने अपने सिलेबस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वहां से देखो आपके हाँ जी कौन कौन सा टॉपिक मेरा अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक मेरा अच्छे से प्रिपेयर है। जो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं है यू गो फॉर दैट टॉपिक, ठीक है। और उसके लिए आपके पास अवेलेबल है क्या, वीडियो लेक्चर, स्टडी नोट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब कुछ अभी पीडीएफ की तरफ से आपके पास अवेलेबल है, ओके? सो स्टूडेंट्स गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज, नॉट फॉर द कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट के लिए आपको 10,000-20,000 पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इतना रीजनेबल प्राइस के अंदर आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि पहले अपने प्रिपरेशन के अंदर ये देखो कि हाँ जी मेरा कितना कितना सेक्शन प्रिपेयर है और कहाँ कहाँ पे कमी है, जो जो आपके लूप होल्स है उनको फिल करते हुए चलिए, ओके? सो थैंक यू सो मच, यस, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर करिए विद अभिपीडिया, ओके?